हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चीज़ जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चेंज क्या है या चेंज किसे कहते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आपके सामने आइस रख दिया जाए थोड़ी देर के बाद अभी ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। थोड़ी देर के बाद या हीट करते हैं तो क्या हो सकता है, ये लिक्विड में बदल सकता है, यानी वाटर में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा बच्चों, वाटर में बदल जाएगा। ये भी एक तरह का चेंज ही हुआ कि सॉलिड फॉर्म से किससे बदल गया, लिक्विड फॉर्म में बदल गया। क्या इस लिक्विड फॉर्म को दोबारा से सॉलिड फॉर्म में ला सकते, तो ला सकते। इसको जब हम लोग वाटर को क्या कर दें, कूल कर दें, तो दोबारा से वाटर किससे बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। तो ऐसे चेंज जो रिवर्स हो जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए और दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में आ जाए, इस तरह के चेंज को हम लोग टेम्पररी चेंज बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग डेली के जिंदगी में हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से वाटर को और ज्यादा बॉयल कर दिया जाए तो स्टीम में बदल जाएगा, यानी गैस स्टेट में बदल जाएगा। फिर गैस स्टेट को अगर हम लोग क्या कर दें, कूल कर दें, तो दोबारा से किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड को और फर्दर कूल कर दें तो आइस में बदल जाएगा। ये चेंज एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट, और फिर वापस ये आ सकता है। इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंज होते हैं जो एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाने के बाद आसानी से पहले वाले अवस्था में नहीं आ पाते। जैसे आप देखते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को जब हम लोग दही में जमा देते हैं, दही में बदल देते हैं, तो क्या लाख कोशिश करें, कितना भी आप कोशिश कर लें, किसी तरह से कर लें, क्या दही को दोबारा से आप मिल्क में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। यानी ये मिल्क से किस में बदल गया, मिल्क जो है किस में बदल गया, कर्ड में बदल गया। क्या कर्ड को हम दोबारा से मिल्क में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी ये चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज नहीं कर सकते। इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, परमानेंट चेंज। क्या बोलेंगे, परमानेंट चेंज। और इस परमानेंट चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल चेंज। और भी एग्जांपल है, अगर आप पेपर को बर्न करोगे, जलाओगे, तो जलने के बाद वो ऐश में बदल जाएगा, हीट लाइट में बदल जाएगा। क्या उस राख को, हीट को, लाइट को फिर दोबारा से अगर मिक्स करो तो क्या पेपर दोबारा से बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्या कर्ड को मिल्क में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो परमानेंट चेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और इसी केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आप लोग लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल
रिएक्शन, और इसी केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन। चलो हम लोग और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक रिबन है, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम रिबन एक तरह का ये मेटल है, ठीक है ना, और रिबन के फॉर्म में है ये। इसको अगर हम लोग जलाएं तो बहुत डेजलिंग लाइट के साथ ही जलता है, और किसके प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, और जल करके ये क्या देता है, ऐश देगा, राख देगा, हीट देगा, लाइट भी देगा। ये भी एक तरह की केमिकल चेंज ही हुआ कि इसको हमने क्या किया, जलाया, जलाने के वजह से किसमें बदल गया, ऐश में, हीट में, लाइट में बदल गया, और इसको दोबारा से हम लोग कितना भी कोशिश करें मैग्नीशियम रिबन दोबारा से नहीं बना सकते। ये भी क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल चेंज का हो, क्या हो गया, केमिकल चेंज। और ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ये जो है ना थोड़ा सा बहुत लार्ज दिख रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन हो, मैग्नीशियम वायर हो, कुछ भी हो, है तो ये मैग्नीशियम ही, इसीलिए हम लोग इसका सिंपल लिख देंगे। Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम, और यहाँ एयर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, O2, ऑक्सीजन हो गया, और ये दोनों ये क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होकर के यहाँ पर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिल गया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। इधर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये पार्ट क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो राइट साइड में जो है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहां पर देखो, हमने इस केमिकल रिएक्शन को एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। कितना इसी इतना बड़ा, अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन फॉर्म्स एस हीट एंड लाइट। लेकिन इसी चीज को हम कितने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए हैं, Mg+O2+Mg। इसी शॉर्ट फॉर्म को, किसी भी रिएक्शंस को जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस शॉर्ट फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन को जो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। दिस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से यहाँ देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो इसको भी आप लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन। अब ये बात है कि केमिकल इक्वेशन जो है इसमें बहुत सारा चेंजिंग होता है। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें बहुत सारा चेंजिंग होता है। कैसे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल चेंज है? तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो आप कुछ ना कुछ आप चेंजेस देखेंगे, कुछ परिवर्तन देखेंगे। चलो समझते हैं इसको, हम लोग क्या टर्म दे सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। अब जैसे देखो बच्चों, मानते हैं कि ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने के बाद किसे बदल जाएगा? कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में। अब ये कॉपर किस कलर का है? ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और किस में बदल गया? ये ब्लैक कलर में बदल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे केमिकल तो रिएक्शन हुआ लेकिन किस चीज में चेंज हुए? बहुत सारे चीज में चेंजिंग हुई। यहाँ पर आपने क्या देखा? पहले कॉपर किस कलर का था? ब्राउन था। कॉपर ऑक्साइड में जब बदला तो ब्लैक हो गया। और भी आप चीज में देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं और भी कुछ चेंजिंग होती है जिसको हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इवोल्यूशन ऑफ गैसेज भी हो सकता है। जैसे कार्बन है तो इसको क्या, कार्बन छोड़ो, आप ले लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने इसको क्या किया? गर्म किया। जब गर्म करोगे तो किससे बदल जाएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखो, जब हमने हीट किया तो क्या चीज निकला? गैस निकला। कौन सा गैस निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो यहां पर इस रिएक्शन में क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कभी भी केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें कलर का चेंजिंग हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, हीट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये कार्बन है, इसको जब जलाओगे तो क्या होगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, अब प्लस हीट देगा। हीट के वजह से क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा इसका? इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर का चेंजिंग हो सकता है, कलर का चेंजिंग हो सकता है, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं आज की क्लास में, ऐसे डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मैं देते रहूंगा जिससे कि आप लोग को घर पे बोरिंग नहीं हो और आप लोग की पढ़ाई भी चलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो हमने आज पढ़ा केमिकल चेंज, टाइप्स ऑफ चेंज, दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, नहीं उसके बाद मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाया था, ठीक है ना, सॉरी सिखाया नहीं है, मतलब आपको बताने वाला हूँ। चलो नहीं आज कर ही लेते हैं। अब जैसे देखो बच्चों, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, इधर कितना कार्बन है? एक है। इधर भी कार्बन कितना? एक। इधर ऑक्सीजन कितना है? दो है। इधर कितना ऑक्सीजन? दो है। इसका मतलब है कि अगर कार्बन 12 ग्राम है तो ये ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम होगा। दोनों को प्लस कर दो तो 44 ग्राम, क्लियर। और इधर भी आप निकालोगे तो कितना होगा? 44 ग्राम। तो हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अनुसार जो रिएक्टेंट है उसका जो मास है कितने के बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड की मास और प्रोडक्ट साइड की मास दोनों इक्वल। इसका मतलब कि केमिकल इक्वेशन क्या है? ये बैलेंस्ड है। और ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ऑक्सीजन दो है इधर, ऑक्सीजन दो, बैलेंस है, ऐसे भी समझ सकते। लेकिन हर कंडीशन में जो होगा केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस नहीं होगा। ये तो चलो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा आप लोगों को, लेकिन दूसरा एग्जांपल आप ले लो मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम को आपने किसके साथ रिएक्ट कराया था? ऑक्सीजन के साथ कराया था, और क्या मिला था आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो क्या ये बैलेंस है?
मास के अनुसार भी देखोगे तो बैलेंस नहीं है, और अगर मास आपको याद नहीं है तो ऐसे भी आप देखो, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, चलो मैग्नीशियम तो ठीक है, ऑक्सीजन कितना है इधर दो है, इधर ऑक्सीजन कितना है एक है, फिर एक ऑक्सीजन कहाँ चला। इसका मतलब है कि केमिकल इक्वेशन ये जो है बैलेंस नहीं, इसको क्या बोलोगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ही बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो इसको कैसे बैलेंसिंग किया जाता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तीन चार क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर आपका जो है मैं फिनिश कर दूंगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू बच्चों।